नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की विशेष खबरों की तरफ। गोवर्धन पूजा के दिन नेपाली समुदाय के पारंपरिक त्योहार पंचधम के तहत युवाओं ने देवसी खेला। इसके तहत परंपरा के अनुसार नए वस्त्र धारण कर युवाओं ने देवसी खेलने के लिए घर घर भ्रमण किया। संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में झिलीमिली देवसीरे की गूंज रही। दार्जिलिंग, मिरिक, सिक्किम, डुअर्स सहित अन्य क्षेत्रों में मेला ने आयो आंगन बड़ारी कुरारी राखन जैसे पारंपरिक गीतों की गूंज रही। दीपावली के दूसरे दिन देवसी खेल के दौरान पुरुष घरों में जाकर लंका पर विजय की कथा सुनाते हैं। इस दौरान एक व्यक्ति कथा का वाचन करता है और अन्य लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। परंपरा के अनुसार कथा के दौरान घर के मालिक समूह को नगद पुष्प व खाने की सामग्री प्रदान करते हैं और दल के लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल से ही नेपाली समुदाय में देवसी खेला की परंपरा चलती आ रही है और आज भी कायम है। देश भर में आज यानी शुक्रवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। नियम अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन बहनों ने व्रत पूजा कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना की। बहनों ने अपने भाई के माथे पर टीका लगाया। दरअसल इस दिन बहनें रोली अक्षत से अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई बहन की हथेली पर चावल का घोल बनाती है, उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, पान, सुपारी, मुद्रा रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ती है। साथ ही कहती है, जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं। यह त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है। मान्यता है कि आज के दिन अगर बड़े से बड़ा जहरीला कीट भी भाई को काट ले तो यमराज के दूत भाई के प्राण नहीं ले जाएंगे। शाम के समय बहनें यमराज के नाम के चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती है। इस समय ऊपर आसमान में चील उड़ता दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख में यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल पक्ष दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धा भाव से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि के यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसका तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो अतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। सिक्किम को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए सत्ताधारी पार्टी एसडीएफ सरकार ने कई कठोर निर्देश जारी कर रखे हैं। इसलिए यदि आप सिक्किम घूमने के लिए जा रहे हैं या भविष्य में घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस निर्देशों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल कठोर नियमों के कारण ही सिक्किम भारत के दूसरे राज्यों के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं। सिक्किम में 14 अगस्त 1997 से ही पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यहाँ सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है और आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर डस्टबिन रखा हुआ मिल जाएगा। सिक्किम में चलने वाली हर टैक्सी में मोबाइल डस्टबिन का इंतजाम किया गया है, यानी अगर आप
कार में सफर कर रहे हैं तो आप कूड़ा बाहर नहीं फेंक सकते, उसे कार में मौजूद मोबाइल डस्टबिन में ही डालना होगा। सिक्किम सरकार के द्वारा जारी निर्देशों में से एक निर्देश सिगरेट के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे। सिक्किम में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना मना है और पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान है। सिक्किम में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटन आते हैं और इनमें से अधिकतर पर्यटक सिगरेट पीने के आदि भी होते हैं। यही कारण है कि देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए कई जगहों पर स्मोकिंग जोन भी बनाया गया है। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि सिगरेट के धुएं से दूसरों लोगों को परेशानी भी ना हो और पर्यटकों को असुविधा ना हो। सिक्किम के राजधानी गैंगटोक के एमजी मार्ग में भी स्मोकिंग जोन देखा जा सकता है, जहां पर कोई भी स्मोकिंग सिगरेट पी सकता है। सिक्किम काफी सुंदर राज्य है और प्रकृति ने इसको अपने हाथों से सजाया है। यही कारण है कि राज्य सरकार राज्य की नर्सिंग सौंदर्य को बनाए रखने के लिए कठोर नियम बनाए हैं और पर्यटकों को भी नियमों का पालन करना पड़ता है। अलीपुर द्वार के बीएफ रोड पर रेल विभाग ने बैरिकेड लगाकर रास्ता को बंद किया। उस रास्ते को खोलने की मांग में अलीपुर द्वार सिटीजन फोरम के तरफ से अलीपुर द्वार के कोट मोर के संलग्न इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि अलीपुर द्वार के आसाम गेट के पास फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद रेल विभाग ने पुराने रोड को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। इसको लेकर अलीपुर द्वार निवासियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर के द्वारा बड़ी गाड़ियां जाती हैं, लेकिन छोटे मोटे वाहन जैसे रिक्शा इत्यादि वाहनों को फ्लाईओवर के ऊपर चलना काफी असुविधाओं से गुजरना पड़ता है। इसीलिए रेल बैरिकेड को उठाने की मांग में इलाके के व्यवसायियों के साथ स्वेच्छासेवी संगठन व स्थानीय निवासियों ने अलीपुर द्वार के सिटीजन फोरम के बैनर तले एक जनसभा का आयोजन किया। इसमें अन्यायमूलक कार्य की निंदा करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र रेल बैरिकेड को उठाने की मांग की। अब समय हो चुका है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। For photography and videography, contact Somani Institute of Digivision and Productions. Mobile number 94340-23813. Interested to learn photography, but don't have time on weekdays? Good news! We have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of Digivision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. Break ke baad khabrein vistar se. मालदा शहर के चात्राबेल इलाके में भू माफियाओं द्वारा खुले आम जलाशय भरे जाने का खेल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिन दहाड़े भू माफियाओं द्वारा इलाके के अवैध रूप से जलाशयों को भरे जाने की बात सार्वजनिक होते ही इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन व विधायक निहार घोष ने स्थानीय पार्षद परितोष चौधरी को इस बारे में सावधान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चात्राबेल इलाके के जरिए मालदा शहर के बारासात के पानी की निकासी होती है। भू माफियाओं द्वारा इसे भरे जाने की किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी इस बारे में शिकायत की है। विधायक ने कहा कि पार्षद को इन भू माफियाओं के चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी की नजर में भी इस बात को रखी जाएगी। गौरतलब है कि इंग्लिश बाजार नगर पालिका के 3 नंबर एवं 24 नंबर वार्ड अंतर्गत चात्राबेल इलाके के मांचलपल्ली, कृष्णपल्ली, नेताजी पार्क, कुलीपाड़ा समेत विभिन्न कॉलोनी में उग आए हैं। यह सैकड़ों एकड़ जमीन पर चात्राबेल का इलाका बसा हुआ है, जिस पर धीरे धीरे भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है। इस जमीन पर खुले आम कूड़ा करकट मिट्टी डालकर इसे भरने का काम चल रहा था। बताया जाता है कि शहर के विभिन्न नर्सिंग होम एवं मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सभी प्रकार के अवशिष्ट यहां फेंके जाते हैं। इसके एक ओर आसपास में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भू माफियाओं के अपने नाकाब मनसूबों को अंदाज देने में लगे हैं। स्थानीय पार्षद परितोष चौधरी ने बताया कि उन्होंने इस विषय को नगर पालिका व प्रशासन की नजर में लाया है।
पर इस बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौशिक भट्टाचार्य ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार जिला जलाशय को अवैध रूप से नहीं भरा जा सकता। उन्होंने कहा इस बारे में प्रशासन की ओर से जाँच की जा रही है। हिंदू के बड़े त्योहारों में से एक दीपावली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ देश के अन्य हिस्सों के साथ सिक्किम में भी मनाई गई। सिक्किम के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दीपावली के दिन यहां के निवासियों में हर्षोल्लास और उमंग की खुशी देखी गई। सिक्किम सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था कि दीपावली पर प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी, लेकिन इसके बावजूद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया। राज्य की राजधानी गैंगटॉक की बहुमंजिला इमारतें प्रकाश की रोशनी में जगमगा रही थी, जो देखने में काफी भव्य था। दीपावली के दिन गैंगटॉक के कुछ तस्वीरें कैद हुई है एसके लाइव के कैमरा में, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं नील अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और आज हम यहाँ बैठे हैं रॉयल सिक्किम टूर्स एंड ट्रैवल्स में, और दीपावली का पावन अवसर है, और हम टूरिज्म की एनालिसिस के लिए श्री मिंगमार भुटिया से वार्तालाप करेंगे। ट्रैवलिंग बिजनेस में कितने वर्षों से? मैं 16-17 साल से ये अभी टूरिज्म बिजनेस में हूँ। सर, 17-18 सालों में आपने क्या बदलाव देखा सर, कि ये ऐसा अक्सर होता रहता है या फिर इस बार कोई खास वजह रही होगी? इस बार देखिए, अभी जैसे दिवाली का जो अभी टूरिस्ट जितना पहले जैसे होना चाहिए वो इस बार नहीं था। और एक है क्योंकि कभी कभी मतलब जो है ऐसा अचानक में ऐसा हो जाता है कि कभी कम हो जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम दशहरा टाइम में इतना रश हुआ है, होटल्स पैक थे, गाड़ी पैक थे। अभी दिवाली में सेम यही रहना था, लेकिन इस बार दिवाली में बहुत कम आए हैं। आज हम सिक्किम के सर्वप्रथम स्टार कैटेगरी होटल्स में से एक ताशी डिलेक में खड़े हैं। सर, आपको यहाँ पे काम करते हुए कितने वर्ष हो चुके? मैं 14 इयर्स हो गए सर। 14 साल हो गए। इन 14 वर्षों में आपने क्या देखा कि ये इस बार टूरिस्ट की टर्नआउट सबसे कम है? इस साल तो बहुत कम दिख रहे हैं सर हमको। ये पिछले कुछ वर्षों से सबसे ज़्यादा कम है या ऐसा लगातार होता रहता है, कभी अप डाउन होता रहता है? नहीं, एक्चुअली मैं ये साल से मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ ये साल बहुत कम आ रहा है सर, क्योंकि इस साल हमारा रूम है ज़्यादा से ज़्यादा 10 रूम्स 8 रूम्स ऐसे आ रहा है सर। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या रही होगी? इसका वजह तो हम पता नहीं क्या हो गया ऐसे उतना हमको नहीं मालूम क्यों नहीं आ रहे गेस्ट। नमस्कार, अभी हम एमजी मार्ग में स्थित एक गिफ्ट आइटम्स के शॉप में खड़े हैं, और इस बार दिवाली में कैसी टूरिज्म का टर्नआउट रहा है, आइए बात करते हैं यहाँ के शॉप ओनर से। सर, आपका नाम? अशोक जी। अशोक, तो सर इस साल आपको क्या लगता है कि टूरिज्म बढ़ा है या घटा है इस दिवाली में? दिवाली में लास्ट ईयर की कंपेरेटिव इस साल थोड़ा कम है। दशहरे में अच्छा था, लेकिन दिवाली में इस साल थोड़ा कम है। जो गुजराती टूरिस्ट आता है वो थोड़ा कम है इस बारी। आपको इसकी वजह क्या लगती है सर? वजह तो नहीं जान पाए, लेकिन क्यों है, मौसम भी ठीक है लेकिन थोड़ा टूरिस्ट कम है। ऐसा सर जनरली 17-18 सालों में हो जाता है या फिर ये पहली बार आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? अब की बार थोड़ा दिवाली पे थोड़ा कम है, हर साल बढ़ता है लेकिन इस साल थोड़ा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। काली पूजा व दीपावली के बाद अब सूर्य उपासन का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी छठ पूजा पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ मनाई जाती है, इसलिए राज्य के अधिकतर नदियों के किनारे सफाई का काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी महानंदा में भी छठ पूजा को केंद्र कर सफाई युद्ध स्तर पर है। साथ ही डुअर्स की विभिन्न नदियों के किनारे छठ घाट बनाने का काम शुरू हो गया है। जिले के डीमा नदी के छठ घाट बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। गोरापाड़ा छठ पूजा घाट कमेटी की ओर से डीमा नदी में छठ घाट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 13 नवंबर से छठ पूजा का आरंभ हो रहा है, और प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी डीमा नदी में पूरे धूमधाम के साथ छठ पूजा आयोजित करने की तैयारियां की जा रही है। कमेटी के सचिव उदय किशोर साह ने बताया कि जेसीबी की मदद से नदी में छठ पूजा के लिए घाटों का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि घाटों पर बेहतरीन प्रकाश सज्जा की जाएगी, इसके साथ ही घाटों पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का पूरा इंतजाम रहेगा।
कालचीनी बसारा छठ पूजा कमेटी की ओर से शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी मोदी लाइन इलाके में छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री वितरित की गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कालचीनी ब्लॉक के छठ व्रतियों को पूजन सामग्री के तहत गेहूं, चावल, केला, नारियल, गुड़ आदि प्रदान किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी तराई डुअर्स डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मोहन शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बासरा घाट पूजा कमेटी के सचिव लाल बाबू चौधरी ने बताया 300 छठ व्रतियों को आज पूजन सामग्री वितरित किया गया है। ट्रेन की चपेट में आने से गुरुवार को कालचीनी स्टेशन पर एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार अलीपुरद्वार जंक्शन से सिलीगुड़ी जंक्शन जा रही डेमो ट्रेन के चपेट में कालचीनी चाय बागान के कामरा लाइन की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला लक्ष्मी राय आ गई। वह दवा लेने के लिए आई थी। जब वह रेल लाइन पार कर रही थी तभी ट्रेन से धक्का लगने के कारण उसकी मौत हो गई। अब तक के लिए इतना ही। उत्तर बंगाल एवं सिक्किम की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।